ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अब आज से लेकर 9 दिनों तक माता गौरा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भक्त करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालांकि नवरात्रि में माता के 9 दिनों तक दर्शन किए जाते हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रि के इस पर्व को नवरात्रि क्यों कहा जाता है? जी हाँ, 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को नवरात्रि क्यों कहा जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि, जिसके नाम से ही यह साफ हो जाता है कि नौ रात्रि यानी कि 9 दिनों की रात्रि, लेकिन ये नवरात्रि ही क्यों कही जाती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जो माता दुर्गा होती हैं वो शक्ति का प्रतीक होती हैं और इस नवरात्रि में शक्ति की ही पूजा की जाती है। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति महाकाली को कहा जाता है, वहीं क्रिया शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती का प्रतीक होती हैं। अब इन तीनों शक्तियों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 हो जाते हैं, तो इससे हो गया 9। और ऐसा कहा जाता है कि स्त्री शक्तियाँ रात्र में ही प्राधान्य मानी जाती हैं, तो रात्रि, इसी कारण से इस पर्व का नाम नवरात्रि कहा जाता है। इस पर्व में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के भक्त दर्शन करते हैं। हालांकि साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, लेकिन 2 नवरात्र जो चैत्र और ये शारदीय नवरात्र होता है, इसका खास महत्व माना जाता है। बाकी के जो 2 नवरात्र होते हैं उसमें तंत्र मंत्र विद्या की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पूजा विधान किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको ये जानकर बेहद खुशी हुई होगी कि नवरात्रि को आखिर नवरात्रि क्यों कहते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और माता रानी आप पर सुख समृद्धि की कृपा बरसाती रहे। नमस्कार।